निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावती को लेकर महारानी पद्मिनी देवी और राणा रतन सिंह के वंशज लोकेंद्र सिंह कालवी अपना सख्त रुख अपनाए हुए हैं। कालवी ने बातचीत में कहा है कि वे उस घराने के 37वें वंशज हैं और संजय लीला भंसाली द्वारा यदि रिलीज से पहले फिल्म देखने के लिए बुलाया जाता है तो वे इस फिल्म को नहीं देखेंगे। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि वे न तो फिल्म को देखेंगे और न ही फिल्म को किसी भी सूरत में सिनेमा घरों में लगने देंगे। कालवी करणी सेना के संस्थापक हैं और फिलहाल संरक्षक के पद पर हैं। उन्होंने कहा कि निर्माताओं के साथ फिल्म को लेकर करणी सेना का समझौता होने जैसी स्थिति या कोई गुंजाइश है ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि समझौते या फिल्म देखने की बात तभी खत्म हो गई थी जब भंसाली ने उनके साथ हुए करार को तोड़ा था। अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है। कालवी ने कहा कि जयपुर में शूटिंग के समय जब संजय लीला भंसाली के साथ विवाद हुआ था तब उनकी ओर से एक करार किया गया था। करार के तहत फिल्म के प्रमोशन या ट्रेलर से पहले वे हमें विश्वास में लेंगे। रिलीज करने से पहले फिल्म करणी सेना के प्रतिनिधियों, समाज शास्त्रियों, इतिहासकारों आदि की कमेटी बनाकर पहले दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिल्म का ट्रेलर और गाने रिलीज कर दिए गए। गौरतलब है कि कालवी देश भर में घूमकर इस फिल्म के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि उन्हें अधिकतर समाजों का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों में लगातार फिल्म के विरोध में प्रदर्शन जारी है, जबकि 4 राज्यों में पद्मावती फिल्म रिलीज होने से पूर्व ही बैन की जा चुकी है। इसमें यूपी, एमपी, पंजाब व गुजरात सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कई राज्यों के अदालतों में फिल्म रिलीज व भंसाली के विरोध में परिवाद दर्ज कराए गए हैं।